It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live, I like a lie. तो यू गाइस कैसे हो मेरे यूट्यूब वासियों? आज मेरा दिमाग बहुत ही सटका हुआ है, पता है? भैंसो आज मैंने क्या देख लिया और वही तुम लोगों को दिखाऊंगा। आज हम लोग देखेंगे प्यार, वो भी माँ और बेटे का। नहीं, हमारे यहाँ वाला नहीं, जो चप्पल उड़ते उड़ते आते, कभी कभी बेलन, कभी कभी लाठी, कभी कभी हाथ उड़ते हुए आते ऐसे, वो वाला प्यार नहीं। इनका प्यार भाई कुछ अलग ही चल रहा है। भैंसो वैसे भी मेरा दिमाग आज ख़राब है और ऊपर से ये देखने के बाद और भी ख़राब हो गया। तो यार प्लीज़ अपने कानों में हेडफोन डाल लो, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट की ज़रूरत होती है, मेरी वीडियो देखने के लिए हेडफोन की। और वैसे भी मैंने शुरू में कहा था आज मेरा दिमाग सटका हुआ है, मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों। तो इनकी आज खुल के बजाने वाले हैं, चलो। मेरा हर लड़के पर दिल आ जाता है, लगता है मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। अजी संड मेरा, दिल के अच्छे से बच्चे होते और ये बूढ़े बन के जो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, इससे तो साफ पता चल रहा है कि दिल के अच्छे तो एकदम 1% में नहीं है। और बहन जो एक बात बताओ, इसको देख के हंसी किसको आई भाई? मेरे को तो नहीं आई, ये जो बैकग्राउंड में फनी म्यूजिक डाल दिया इसने। अखंड चुतिया बहनचो, बादशाह का बच्चा है वो बेगम। चोली के पीछे नहीं देखा, चोली के पीछे समाज का बंबू है जो पिछवाड़े में इन दोनों के घुसा देगा। मेरे को एक बात बताओ यार, किस एंगल से इसकी माँ लग रही है भाई? मेरे को तो 1% भी नहीं लगा यार। भूतिया बनाया तुमको। अच्छा जब आप माँ बोलते हो ना, तो मतलब माँ बोलने से जो दिमाग में जो पहला इमेजिनेशन आता है वो है थोड़ी, मतलब थोड़ी हेल्दी टाइप सा, थोड़ा सा बाल बिखरे हुए, आपको डांटते हुए, या फिर आपको ये कहते बेटा पढ़ाई कर ले। क्या ऐसा इमेजिनेशन तो भाई कभी भी नहीं आता दिन में या फिर दिमाग में, कुछ भी कह लो। या तो ये माँ ऐसे, मतलब ये जो है बहुत ऐसे माँ बन के रहना नहीं चाहती, और या तो दूसरा कोई ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं एक बात बताओ, कहाँ बन रहे हैं ऐसे माँ? मेरे को जानना है यार कहाँ बन रहे हैं, पहले बंद करवाओ उस चीज़ को। हाँ बेटी का जुड़वा बहन ज्यादा लग रही हो भाई, कहाँ से लग रही है ये दो बच्चों की माँ? ये क्या फैशन वैशन तो ठीक है, लेकिन ये जो भाई रील्स में हग रहे हैं लोग, इससे भी यार कहाँ लग रहा है ये दो बच्चों की माँ? क्या करे यार, या तो जमाने से हम नहीं, या तो जमाने के लिए हम नहीं। जिम जाओ, बेंच और जिम जाओ, बेंच और जिम जाओ। ये कैसी माँ है अबे, ये कैसी माँ है? हम लोग जो अपने मम्मी पापा के सामने गाली देने से डरते, अगर किसी दिन एक बार भी सुन लिया ना कि हम गाली देते, पिछवाड़े का परोठा बना देना है मार मार के, चूथर लाल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मतलब पता तो चलेगा लेकिन कब समय बीत जाएगा ऐसे पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। मतलब कुछ तो होगा यार, कुछ तो भयानक होगा। लेकिन ये मोहतरमा, ये मादा प्रजाति अपने वीडियो में ही गाली दे रही है, और वो अपने बच्चों के साथ भी वीडियो बनाती है। कह लो सच्ची में, मेरे को जानना है यार कहाँ बन रहे ऐसे मादा प्रजाति, मतलब कहाँ बन रहे ऐसे माँ? भाई कसम से कह रहा हूँ, अगर यमराज ने भी देख लिया ना कि ऐसे ऐसे हरकतें करती है भाई, नरलोक से सीधे पाताल में धरती पे देखे जाएंगे भाई। ये धरती का बोझ तुमसे सहा नहीं जा रहा, हम कैसे सहे? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा इस बच्चे ने सुबह उठ के अपने दंत मंजन भी नहीं किया होगा, लेकिन पप्पी तो ऐसे दे रहा है आय हाय हाय राजा जी, और गला तो ऐसे पकड़ के पप्पिया दे रहा है। मुझे तो अभी अभी लगा था कि जॉनी भैया सॉरी हाँ, मैं अपने वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता।
और मुझे तो बच्चे से ज्यादा उतावला मम्मी लग रही है। उधर कान में टट्टी अटक गई है, उसको स्कूल जाना है टट्टी करके, लेकिन नहीं वो बोल रहा है मम्मी छोड़ो, लेकिन नहीं मम्मी छोड़ने को राजी नहीं है। नहीं बेटा तो इधर ही पर, मैं पर आऊँगा। भाई हमारे यहाँ पे मम्मियों से बात करने के वक्त गांड फट के हाथ में आ जाती है, लिटरली। अगर आप प्यार से कुछ बोलने जाओ ना, मम्मियाँ समझ जाती है कि कुछ तो भाई मैटर है, कुछ तो मैटर है, नहीं तो इतने प्यार से तो भाई ये बात नहीं करता। हाँ भाई तू प्यार कर जो कर कोई मर्जी नहीं, लेकिन जो भी कर मम्मी वाला प्यार कर यार। ये यहाँ पे हाथ रख के ऐसा कौन सा प्यार किया जाता है? हाँ मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई प्यार। राजा जी मैं बता रहा हूँ इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मेरे को। भाई मैंने बोला था इसके इरादे ठीक नहीं है। यहाँ भी हाथ, भाई हाथ पे हाथ लगाया जा रहा है ये। लेकिन ये तुझे कैसे पता? नहीं भाई पेट भर के नहीं खाना, मेरा पेट भर गया ये वीडियो देख के यार। और ये ऐसे ऐसे कमरिया हिला के क्या बूटी से एक डांस है ये? हाँ क्या डांस है ये? बहुत सारी कमर तो गाड़ खोल के नाचेंगे, बड़ी चतर बूटी 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 से कान में ब्रेक लड़े, नाच 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 लड़े आ बूटी से। यार ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं वो अश्लील था है एक तरह का, पता है इन लोगों को, इसलिए कमेंट ऑफ करके रखे। और कुछ वीडियोस भी इन्होंने डिलीट कर दिया, मेरे को बाकी यूट्यूबर्स के चैनल से उठाना पड़ा। ठीक है अपनी गलती को एहसास दिलवाया, यूट्यूब भी मतलब सॉरी शॉर्ट्स क्या बोलते उसको रील्स डिलीट कर दिया। और इसलिए इनके हर वीडियो में ऊपर पे मोम एंड सॉन लिख के रखते हैं, क्योंकि यार अगर कोई बंदा को नहीं पता कि ये उनकी माँ है तो समझेगी भी नहीं। बॉय और दूसरी बात, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये जो कर रहे हैं तेरा क्या उससे, तू अपना काम करना। तो भाई मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादातर बच्चे लोग देख, मतलब आजकल बच्चे लोग भी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो वो लोग अगर ये चीज़ देखेंगे तो इन चीज़ों से क्या सीखेंगे वो लोग? ऐसे करते हैं मम्मी पापा से प्यार। तो यार बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया, गलतियाँ दिखाया। ये सीन देख के मेरे को 1% भी नहीं लग रहा यार इसकी माँ है। यार बच्चे जब स्कूल से आते तो बच्चे छलांग लगा के मम्मी पापा के गोद में उतर जाते हैं, लेकिन ये भाई अलग ही बेटा मम्मी को। और ये चीज देख के ना मेरे को सच्ची में कुछ और ही दिमाग में आ रहा। समझ रहे हो? मैं बताऊंगा नहीं पर समझने वाले समझ गए। यार तुम लोग कमेंट में बताओ यार इनकी हरकतें देख के 1% भी तुम लोगों को लगा कि ये माँ बेटे हैं? नहीं। आंटी शर्म और उम्र की बात तो आप मत ही करो यार, आपके मुंह से सूट नहीं करता ये सब बात। इतने वीडियो में जो ललकारी देख लिया उससे तो साफ पता चल रहा है शर्म और उम्र का कोई लिहाज नहीं होता आपके जिंदगी में, भले ही आपके पति का होता हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए, मम्मी 20 रुपए दे दो यार। पीछे मत आओ। बताओ मतलब तुम्हारा घर है क्या ये? मतलब तुम्हारा अकेले का घर है? पीछे मत आओ। पीछे मत आओ, तुमके हीरोइन लग के गई क्या तुम्हारे पीछे आऊं मैं? भाई फिर से दिखाना।
भाई इसने अपनी मम्मी को टपली मार दिया। भैंस हमारे यहाँ पे ऐसा होता होता क्या ऐसा भाई, हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है यार ऐसा करने की, पर इसने अपनी मम्मी को यार वीडियो के लिए टपली मार दिया। भाई आज टपली मार रहा है, कल चुंगम फेंक के मारेगा। हाँ कट कर देने। भाई कसम से कह रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ पे किसी बंदे की हिम्मत भी हुई ना ऐसे करने की, अगर ऐसे किया भी ना, तो उसकी कब्र उसी जगह पे मिलेगी। उस दिन उसका शहीद दिवस होगा, उस दिन देश का झंडा नहीं, वो बंदा खुद झंडा बन के लहराएगा। और फिर एक बार बताओ, ये कैसी माँ यार डोमेस्टिक वायलेंस को ऐसे बढ़ावा दे रही है टपली मार मार के। यार मेरा सिर फट रहा है ये देख के। भाई माफ करो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा ये, बहचो मैं मान ही नहीं सकता ये इसकी माँ है। माँ को ऐसे गोद में कौन उठाता है भाई, क्या पागल है क्या ये। सो दैट इज फॉर टुडे दोस्तों, और मेरे सर भाई सहा नहीं जा रहा, मेरा सिर फटे जा रहा है ये देख के। बस मैंने जो ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए भाई, इसको भाई सपोर्ट करो फुल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब ठोक दो, जो बंदे देख रहे हो वही बंदे लाइक ठोको सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। और भाई अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए ना, गलती से भी अगर 100 लाइक हो गए, तो मैं अपने मम्मी के सामने जाके पागलों की तरह नाचने लगूंगा, कसम से कह रहा हूँ अगर 100 लाइक हो गए तो। अब मेरे को नहीं पता होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब तो व्यूज देता नहीं है और खुद से व्यूज तो आते नहीं है, तुम लोगों की जिम्मेदारी है, अभी कर रहा हूँ यार प्लीज कर दो यार। तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में, बाय।